तारापूर एमआयडीसी मधील तारापूर पर्यावरण सोसायटीत नवीन 50 एमएलडीच्या प्रोजेक्टमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप तेथीलच महेंद्रसिंग चैत्राम सिंग यांनी केला आहे. काय आहे प्रकार, पाहूयात हा रिपोर्ट. तारापूर एमआयडीसी तारापूर पर्यावरण सोसायटीच्या प्लॉट नंबर OS 30 वरील नवीन 50 एमएलडीच्या प्रोजेक्टमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचा खळबळजनक आरोप याच सोसायटीचे महेंद्रसिंग चैत्राम सिंग यांनी केला आहे. महेंद्रसिंग हे याच एमआयडीसीमध्ये टेक्नो कॅम्प सर्व्हिस ही कंपनी चालवतात. और मैंने देखा कि कम से कम इसको 6 महीने लगे, कम से कम. अगर वो भी डे नाइट में अगर ये काम करे तो 6 महीने से पहले काम भी हो सकता है, क्योंकि जो अभी आपने अभी से पूरे पाइपलाइन ये वो सब भाग पड़ी है, अभी रिकनेक्शन हुआ नहीं है, डिसमेंटलिंग सब ऐसा चल रहा है. तो मुझे नहीं लगता ये 6 महीने से साल भर से पहले का प्रोजेक्ट चल होगा. तो अगर जो रही बात ये है कि पहले ये प्रोजेक्ट कुल हमारे 74 करोड़ का था, अब जाके मैंने अभी सुना है कि 160 करोड़ हो गया. अगर यू कैसे देख दिखना हो गया, लेकिन होने के बाद अभी सोचा छोटी छोटी इंडस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जो SSI इंडस्ट्री है. अब SSI इंडस्ट्री की हालत क्या खराब हो रही है, लार्ज और मीडियम को तो क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, पर SSI इंडस्ट्री को इतनी तकलीफ है कि इसकी वजह से कि वो कहीं जाने लायक नहीं है. तो बीच में अभी आरो साहब का मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमने एक क्वेश्चन उठाया कि साहब जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज हमें CADP दी है, वो दी है SSI इंडस्ट्री के लिए. एक्चुअली ये पूरा प्रोजेक्ट SSI इंडस्ट्री के लिए है, और लार्ज और मीडियम इंडिया को केवल हाइड्रोलिक रोड दे रहे हैं, तो उनको तो पूरा ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं. अगर ये प्लांट अच्छी तरह चले और लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री वाले अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें, तो मैं कहता हूँ जो तारापुर बदनाम है ना कि भाई बहुत पोल्यूशन है, ये है उसमें तारापुर में पोल्यूशन नाम की चीज नहीं है, ये केवल मोनोपोलेटेड है. ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि अगर इसमें सीरियस स्टेप लिया जाए तो तारापुर जैसा एरिया कहीं नहीं, क्योंकि इसको पोल्यूटेड बनाया गया, पोल्यूटेड है नहीं. बहुत सिंपल तरीका है, कुल 243 कंपनियां हैं जो SSI इंडस्ट्री है, उनका टोटल MLD जो है वो केवल 3 MLD है. अब 25 MLD में 60 MLD पानी आ रहा है. अब आप बताइए 60 MLD में 3 MLD का non-TDP चला जाए तो क्या हालत होगा, यू कैन अंडरस्टैंड. और ये है कि वो चीजों को कोई समझ नहीं रहा, देख नहीं रहा, चिल्लाते रहे. हम लोग आज में कम से 2014 से मैंने कंप्लेंट की, 2014 में पहले मैंने लेटर लिखा इसके चेयरमैन को, फिर क्लीमा के प्रेसिडेंट को लिखा, फिर मैंने एप्रोसिएशन में रिपोर्ट की. ये सारे पेपर मेरे पास है, मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. उसके बाद मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो में केस डाला, आज तक उसका भी 4 दिन है, क्या होगा भगवान जाने. इसका कारण है कि नो सुपरविजन ऑन दैट, सबसे बड़ी बात है. अच्छा सुपरविजन होगा, अच्छी होगा तो ये प्लांट तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुपरविजन ही नहीं है. एक आदमी है बेचारा यादव, वो आदमी 25 MLD देखे, 30 MLD देखे, बाकी सब उसको बुला लगे ऑफिस में, आदमी वहां चला जाए, वहां चला जाए. और या कैल सेंटर से बात करो तो उसमें आधी बात मालूम नहीं है. तो जब तक कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देखो हमारा 5 करोड़ का 2 करोड़ का पट्टी होता है, हम लोग उसमें सुपरवाइजर इंजीनियर सब रखते हैं. यहाँ केवल एक आदमी रखा, एक आदमी से प्रोजेक्ट चलता है क्या? ये केवल जान के प्रोजेक्ट को लेट किया जा रहा है. मैं कहता हूँ अगर आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारी हेल्प करें तो इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं. ये प्रोजेक्ट जल्दी तैयार हो सकता है अगर इसमें प्रॉपर इसका मैनेजमेंट किया जाए. ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, छोटी छोटी इंडस्ट्री बंद होगी. बड़ी इंडस्ट्री कभी आपने बंद होती देखी है? फिर छोटी छोटी इंडस्ट्री में तलवार लगेगी. तो क्या एक कहावत है ना, जब शेर को भूख लगती है तो हाथी को नहीं खाता है, बकरी को खाता है. तो इनके लिए मारने के लिए SSI इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को बंद कर देंगे. वो मैं नहीं कह सकता, वो उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता. वो तो MPC भी जा रहे हैं और बड़े आदमी जा रहे हैं, क्योंकि वो ना तो मेरे सामने कोई डिसीजन होता है, ना मैं उसका जवाब दे सकता हूँ. तो मैं जरूर कह सकता हूँ इसमें SSI इंडस्ट्री बिल्कुल पूरी तरह से पिसी हुई है, बाकी किसी का नुकसान नहीं है. SSI इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. अभी आप देखो इसकी जमीन गई, इसके जो खुदाई हुई उसकी मट्टी कितनी निकली होगी, कम से कम 3 करोड़ की मट्टी निकली थी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो 3 करोड़ की मट्टी कहाँ गई. ये प्लांट 70 करोड़ में प्रोजेक्ट हुआ था, इसको पहले से 5 करोड़ ज्यादा दिया इन्होंने इस प्लांट को. तो धीरे धीरे 5 करोड़ तो ठीक है, अब तो 5 करोड़ को पकड़ के रह गए, अब तो ये 170 करोड़ चला गया, 160 करोड़ चला गया. उसकी जवाबदारी किसकी, वो जवाबदारी को तैयार नहीं है. मुझे आज एक भी इंडस्ट्री का मालिक बता दे जिसकी फैक्ट्री 5 करोड़ की 7 करोड़ हुई हो, पर ये 76 करोड़ जो सीधा 170-180 करोड़ चला गया कैसे? अगर क्या पहले जो मैनेजमेंट छोड़ रही थी, या पहले वो कंसल्टेंट छोड़ रहा था जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट दिया था, इसको पूछेगा कौन, इसका जवाब कौन देगा? तारापुर MIDC मधील जलशुद्धीकरण करिता असलेला हा प्रकल्प OS 30 मध्ये 50 MLD च्या कामाच्या टेंडरपासूनची प्रक्रिया चुकीची असून त्याविषयी
कोणतीही जाहिरात दिली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे। शिवाय याविषयी कार्यालयातून त्यांना माहितीही देण्यात आलेली नाही। या सोसायटीमध्ये पूर्वी 25 MLDचा प्लांट कार्यान्वित असून त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन प्लांटचे काम चालू आहे। सर्व सभासद आणि शासनाच्या MIDC च्या मदतीवरती हा प्रकल्प चालत असला तरी MIDC चे अधिकारी आणि संस्थेचे अधिकारी मनमर्जी करून त्यांच्यात अफरातफर करतायत। या सर्व कंपनीमध्ये सुमारे 50 ते 55 MLD पाणी साठा होतो आणि त्यासाठी मासिक खर्च कंपनीकडून गोळा केला जातो, तरी त्याचा हिशोब ठेवला जात नाही। तर प्लांटचे काम निकृष्ट आणि दर्जाहीन होत असल्याचा आरोप सिंग यांनी केलाय। या प्रकल्पामध्ये सुमारे 30 ते 35 कोटी रुपयांचा गफला झाल्याचं सिंग यांचं म्हणणं आहे। ना बताइए ना, जो राइट है ना, जो राइट है रॉन्ग है बताइए ना, कि बहुत लेट में बोल रहा हूं। आप यादव सर से बात कीजिए प्लीज। मैं क्या बोलता हूं, आप तो कंसल्टेंट है ना यार, हमको कंसल्टेंट ज्यादा, यादव से ज्यादा कंसल्टेंट जरूरी है। यादव आप कंसल्टेंट नहीं है, आप कंसल्टेंट है ना, आप आर यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसल्टेंट कर रहे हैं, पर आर यू कंसल्टेंट ऑफ, यू आर अ मेंबर ऑफ कंसल्टेंट और नॉट? हां या ना, आप यादव सर से बात, यादव जी, यादव यहां के हमारे आदमी है, यादव हमारे आदमी, हमको उससे बात ही करना है, हमें कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछे कि आप हमारे साथ आइए, आप नहीं आए छोड़ को बात, बट आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर फर्स्ट क्लास हूँ। आपको क्लियर हो जाता है, आप गलत मत लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऑफिशियली कुछ नहीं है हमको कि आप आ रहे हैं, ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है, मेंबर सी के सी के आई एम मेंबर, ये मेरा सर को ये जमीन जो है ना, मत कीजिए फिर भी मेरा, ये जमीन जो है ना, ये जमीन मेरे नाम पे है। हाँ सर, ये जमीन मैंने लेके दी है, टीमा के है तो मुझे हक है ना। आप हकीकत बताइए ना, हकीकत क्या है? आप झूठ बोलिए, आप सच बोलिए, जो आप सही बताइए ना, सही रिपोर्ट आपने बता रहे हैं। आप हमारे कंसल्टेंट मतलब पूरे इंडस्ट्री के कंसल्टेंट है, आपको जो पेमेंट कर रहे हैं ना, लिखित पे नहीं कर रहा है, मैं उतना आपको पेमेंट कर रहा है पूरा इंडस्ट्री, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आप क्या क्यों गलत, क्यों सही बोल रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा नाम लीजिए, आप जिसको मर्जी लीजिए, बोलो महेंद्र सिंह आए, किस जिसको मर्जी आप बात करिए, मैं अपने नाम छुपा के थोड़ी बात कर रहा हूँ आपसे। इसके लिए सर मैंने आपको बोला कि आप सिंगाड़े साहब से, सर मैंने आपको सिंगाड़े साहब आपके सामने टेबल लगाया ना, सिंगाड़े तू किधर है, तेरा क्या है, तो ऐसा नहीं तो ऐसे बोल आप सर, अभी जब मैंने देखा हाल लीजिए ना साइड पे सर, अरे मैं अब साइड पे तो उसको बुला लूंगा अच्छी तरह, बट आई वांट दैट, मेरे को तो अच्छा है, मेरे को कंसल्टेंट से बात करें, वो तो झूठ भी बोल सकता है, कंसल्टेंट इज राइट मैन, वी आर पेइंग यू यार, आज इंडस्ट्री वाले आदमी को पे कर रहे हैं आपको, PPS पे नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री पे कर रही है आपको, एंड आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री भाई, और आप मेरा नाम लीजिए ना, मैं आपको बोला महेंद्र सिंह मेरा नाम है, नंबर 9092 नंबर देता हूँ आपको, जो चाहिए जिसको बोलो बोलिए, मैं थोड़ी कुछ छुपा रहा हूँ आपसे अपने से। सर, आप यार देखो दो बात है, या तो आपको मालूम है, ऑफिशियली आंसर देने के लिए मैं ऑप्शन नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप ऑप्शन ऑप्शन की बात ही नहीं है यार सर, और अरे पर मैं क्या बोलता हूँ, इसमें ऑप्शन ऑप्शन की बात नहीं है, इसमें बात क्या है कि भाई कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है, क्योंकि हमको इंडस्ट्री को जवाब देना है, आपको नहीं कोई आता है, आपको कोई पूछने आता है नहीं, हमको रोज ट्रेन में हमारी माँ बहन निकालते हैं, साला तुम लोग पैसे खा जाते हो, तुम लोग चोर हो, पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हम लोग जो है, मैंने खुद रिजाइन किया, आई विल गो देयर पर्सनली, आई विल सी दैट कि नवंबर में वो चालू होने वाला था, फिर नवंबर में अब तक नहीं हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ खुद आया कि भाई नवंबर में अपन देखते हैं क्या पोजीशन है। हाँ सर, और आज मैंने खुद जब देखा इतनी हालत खराब है कि वो मुझे नहीं लगता 6 महीने तक चालू होगा आपका पैसा, किसी कीमत में नहीं हो सकता, मैं भी इंजीनियर हूँ, ग्राउंड लेवल पे मुझे काम करना आता है, अरे आओ माझे माजी सदस्य महेंद्र सिंह ने क्लियर कट केलेला आहे की 70 ते 170 कोटी पर्यंत हा प्रकल्प गेलेला आहे, कुठले इंडस्ट्रीचं काम 5 कोटी ते 7 कोटी होत नसून हा प्रकल्पाचं काम 70 पासून 170 कोटी पर्यंत गेलेलं आहे, म्हणजे भ्रष्टाचार पूर्ण झालेला आहे हे साबित झालेलं आहे, आणि महेंद्र सिंहने केलेले आरोप अँटी करप्शन ब्युरो मध्ये अद्याप विचारत आहे की कारवाई करायची की नाही। या ठिकाणी जे मोठे मासे आहेत त्यांच्या आपली पकड वरिष्ठ पर्यंत मंत्रालयापर्यंत असून ते लहान कंपनीवाल्यांची कुठलीही पुकार होत नाही।